आप सभी मेरे ही अंश से उत्पन्न मानस पुत्र को मैंने आप सभी को पृथ्वी का उद्धार करने हेतु निर्माण किया है। आप सभी को विवाह करके पृथ्वी पर मनुष्य जीव का निर्माण करना है। जो आ गया पिताश्री। परंतु पिताश्री, आपने पृथ्वी का निर्माण किसके कहने पर किया है? मेरे प्रभु के कहने पर। अच्छा, फिर तो मैं उस प्रभु से मिलना चाहूंगा पिताश्री। पहले मैंने जो कहा वो कार्य करो, विवाह करके पृथ्वी पर मनुष्य जीव का निर्माण करो। नहीं नहीं पिताश्री, मुझे विवाह नहीं करना। मैं तो आपके प्रभु से मिलूंगा। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, स्त्री के साथ विवाह करके उसके साथ रहने को मना किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ऊपर नामक गंधर्व बनकर स्त्रियों के बीच ही रहोगे। श्राप देता हूं मैं तुम्हें। नहीं, नहीं। उपवन, क्या हो रहा ये? नारी का अपमान, वो भी मेरे समक्ष। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा जन्म दासी के घर में होगा, जहां तुम्हें सबकी सेवा करनी होगी, अधिक परिश्रम भी करना होगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया, आश्रम के सारे काम छोड़ के तू यहां अपने बच्चे के साथ खेल रही है। दासी पुत्र को राजपुत्र बनाने के सपने छोड़ दे। दूसरों का जूठन खाने वाले तुम लोग दास हो, हमारे दास। इसे भी बड़ा होकर किसी ना किसी का दास बनना ही पड़ेगा। जाओ, भोजन की तैयारी करो। तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तू मेरा प्राण है, मेरा प्राण। प्रभु, प्रभु नारद ने इतने दुख झेले हैं। दुख किसे नहीं झेलने पड़ते देवी, आपने मुझे भी तो। मैंने आपको कब दुख दिए? ऐसा मैंने कब कहा? आप मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। मैंने कहा कि आपने मुझे भी तो दुख झेलते हुए देखा है। हाँ प्रभु, दुख तो आपने भी बहुत झेले हैं। जब देवताओं को दुख झेलने पड़ते हैं तो नारद तो सामान्य मनुष्य के रूप में थे और उनकी अग्नि परीक्षा तो अभी आगे होने वाली थी। क्या? माँ, ये क्या कर रहे हैं? ये हवन कर रहे हैं पुत्र। ये हवन क्या होता है? ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाने का एक मार्ग।
ईश्वर से बात करने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, जैसे भक्ति, पूजा, आराधना, हवन। माँ, मैं भी हवन करूंगा। तुम हवन नहीं, मेहनत करो दासी पुत्र। तुम्हें जीने के लिए भक्ति नहीं, धन की आवश्यकता है। धन की? किसकी है? धन की। नहीं, मैं भी भक्ति करूंगा। तुम चलो यहाँ से। नहीं माँ, मैं भी भक्ति करूंगा। हाँ, करना, भक्ति करना, आराधना करना नारायण की। हाँ, अभी बहुत काम है, चलो यहाँ से। अरे नारद, तुम सवेरे नदी के किनारे पूजा की सामग्री लेकर क्यों नहीं आए? मैं तो आया था, किंतु आप ही नहीं आए थे। क्या, मैं नहीं आया था? हाँ, और आज तो आपने स्नान भी नहीं किया है। अर्थात मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, आप झूठ ही कह रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप झूठ ही कह रहे हैं। और गुरुवर तो हमेशा ये भी कहते हैं कि रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, किंतु आप तो सूर्य निकलने के बाद जागते ही हैं।